नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 में 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट कितना बैग लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, और इसके साथ साथ सैंड कितना क्यूबिक फीट लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, और 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में टोटल कितना एग्रीगेट लग जाएगा, और इसके साथ साथ लेबर का टोटल कितना पैसा होगा। इस वीडियो में हम आपसे लेबर मटेरियल सहित 1000 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में कितना पैसा लगेगा फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फुल इन्फॉर्मेशन हमने अपनी इस कॉपी पर लिख लिया है, तो चलिए हम आपको इस कॉपी पर लिए चलते हैं और एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब रिक्वायर मटेरियल 2023 यानी कि 2023 में 1000 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम स्लैब के एरिया की बात करें तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट है। इसी प्लान के आधार पे हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। तो यदि आपके स्लैब का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो इस वीडियो में आपको जितना भी बताया जाएगा लेबर मटेरियल का खर्च, लगभग उतना ही खर्च आपका पड़ जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम स्लैब के एरिया की बात करें तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट यदि हम स्लैब के थिकनेस की बात करें तो 5 इंच की है, यानी कि स्लैब की थिकनेस 5 इंच है। और स्लैब ढलाई में कुछ इस तरीके से जो कंक्रीट यूज किया जाता है, तो कंक्रीट रेशियो की बात करें तो 1:2 और 3 का है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और इसके साथ साथ लेबर सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 88 बैग सीमेंट लग गया, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से जो नीचे स्लैब बीम होती है, स्लैब बीम की ढलाई में 16 बैग यानी कि 16 बैग सीमेंट एक्स्ट्रा लगा। तो स्लैब और स्लैब बीम का मिलाकर टोटल 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब की ढलाई में 104 यानी कि 104 बैग सीमेंट लग गया। तो यदि हम 104 बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे मार्केट में 430 रुपए का एक बैग सीमेंट मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल 104 बैग का कितना पैसा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 104 बैग का टोटल 44,720 रुपए हो गया, यानी कि 44,720 रुपए का सीमेंट लग गया 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 214 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लगी, और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 36 क्यूबिक फीट एक्स्ट्रा लग गई। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 250 यानी कि 250 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई। और यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट रेट की प्राइस की बात करें तो 73 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत मिल रही है। तो 73 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से 250 यानी कि 250 क्यूबिक फीट रेत का 18,250 यानी कि 18,250 रुपए हो गया। तो 18,250 रुपए की रेत हो गई। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 32 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लगी, और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 56 क्यूबिक फीट एग्रीगेट एक्स्ट्रा लगी। तो दोनों का मिलाकर पूरे स्लैब की ढलाई में 377 यानी कि 377 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गई यानी कि गिट्टी लग गई। और यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट एग्रीगेट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 78 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट मिल रही है। तो 78 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से 377 यानी कि 377 क्यूबिक फीट का आप देख सकते हैं कि 29,406 रुपए हो गया। तो चलिए लिख लेते हैं कि एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का 29,406 रुपए हो गया। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्टील लगाई जाती है। तो पूरे स्लैब में 770 किलोग्राम स्टील लगेगी, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में भी कुछ इस तरीके से 12 mm की 4 स्टील बार लगाई जाती है। स्लैब बीम का टोटल कैलकुलेशन हमने इस ड्रॉइंग के आधार पर किया था। टोटल आप ये लमसम मान के चलिए कि स्लैब बीम में आपका 279 किलोग्राम स्टील एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि 12 mm यानी कि 12 mm का होगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से एक रिंग लगाई जाती है।
तो रिंग बनाने में 138 किलोग्राम स्टील एक्स्ट्रा लगेगी। तो चलिए टोटल करके देखते हैं कि स्लैब, स्लैब बीम और स्लैब बीम में जो रिंग लगती है सभी का स्टील टोटल करने के बाद 1000 स्क्वायर फीट में टोटल कितनी स्टील लगी हमें ये पता चल जाएगा। तो चलिए हम टोटल करके देख लेते हैं। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब की ढलाई में टोटल 1187 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई। और प्रेजेंट टाइम में यदि हम अपने एरिया में 1 किलोग्राम स्टील के प्राइस की बात करें तो 77 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से स्टील मिल रही है। आपकी एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 77 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 1187 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिये का 91,399 रुपए हो गया, यानी कि 91,399 रुपए का आपका स्टील हो गया 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में। स्टील के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि ठेका हुआ था, शटरिंग और इसके साथ साथ स्लैब ढलाई में जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि मशीनें आती हैं, मिक्सर आते हैं और इसके साथ साथ जो लेबर आते हैं सभी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 36 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई हुई है। तो हम इसमें यानी कि 36 रुपए पर स्क्वायर फीट में 1000 यानी कि 1000 स्क्वायर फीट से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल लेबर का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 36,000 टोटल लेबर रेट हो गया। अब चलिए हम टोटल करके देखते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर का मिलाकर टोटल कितना पैसा खर्च हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप 2023 में 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो लेबर मटेरियल सहित आप देख सकते हैं कि आपका 219,775 रुपए का खर्च हो जाएगा। तो यदि आप 1000 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका 2,00,000 से लेकर 2,30,000 रुपए तक का खर्च हो जाएगा। आपके एरिया में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।